शाम ढलने से पहले मंदिर से घर नहीं पहुंच सकती थी? अगर मैं नहीं आता तो क्या करती हैं? माफ कर दीजिए, मैंने एक मन्नत मांगी थी और बारिश भी होने लगी इसलिए देर हो गई। तुम्हारा ये रोज का नाटक बंद करो, अंदाजा भी है मुझे कितनी फिक्र थी। माफी मांगी ना? मुझे मनाना तुम अच्छी तरह से जानती हो। अरे बच्चा बाहर, मुझे डर लग रहा है, सीधे घर चलते हैं। छोड़ दो मुझे, कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? हो सकता है उनका कोई प्लान हो, शायद वो आपको फंसाना चाहते हो। डीआईजी को फंसाना कोई मजाक है? बच्चा बाहर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज मत जाइए बाहर, आपके सिवा मेरा है ही कौन, प्लीज मत जाइए। डीआईजी फिनिश्ड। डेविड कैश। थैंक यू सर, थैंक यू। नानू सर से मिलना है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपसे मिलने के लिए एंथनी और डेविड आए हैं। ले आओ उन्हें। गुड इवनिंग सर। सर डीआईजी फिनिश्ड। ये सूटकेस उठा लो, इसमें पूरे 50 लाख हैं। निकलो। थैंक यू सर। सर स्मॉल रिक्वेस्ट, क्या हम एक बार स्टीफन रॉबर्ट से मिल सकते हैं? ये दोनों तुम्हारे आदमी हैं? हाँ मेरे आदमी हैं सर। सुनो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस बार सिर्फ तुम्हारे चमचे मारे गए। आगे से कभी स्टीफन रॉबर्ट को मिलने की बात कही तो तुम मरोगे। लाशों को ठिकाने लगा देना। फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है, रनवे पर आती है। ओहो, कुछ दिन बाद क्या आया, पूरा सिस्टम बदल गया। वैसे जनरल डिब्बा आगे होता है या पीछे? पंखों के बिल्कुल नीचे होता है। ओहो, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। अच्छा, क्या? अच्छा, अंदर जो टीटी होता है वो कुछ चाय पानी लेके सीट तो देता होगा ना?
टीटी नहीं एयर होस्टेस होती है। ओके ओके, तो फ्लाइट कहीं बीच में वड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक के लिए रुकती है या बेचारे मुसाफिरों को भूखा ही लाया जाता है? अरे सर पीटने की क्या बात है, पता नहीं है तो पता नहीं बोलना। लगता है तुमने सिर्फ ट्रेन में धक्के खाए, कभी प्लेन में नहीं चढ़े हो। अब बोलो, ट्रेन हो या प्लेन, आखिर सफर ही करते हैं ना। प्लेन को क्या सोना लगाए जो तेरे जैसा फूल फूल लेके खड़ा रहेगा गमले में। नमस्ते, समझते हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? टॉयलेट का पाइप फूटा है, प्लम्बर भेजोगी? व्हाट? व्हाट नहीं लगेगी व्हाट। पुणे की फ्लाइट कितने बजे आने वाली है? 10 मिनट में आएगी सर। ये 10 मिनट 15 मिनट का चूरन मुझे मत खिलाओ। लोनावाला क्रॉस किया, खंडाला पास किया, खोपोली पहुंचा कि नहीं अब तक? या साकी नाका पे ट्रैफिक जाम में अटका है? बोलो। फ्लाइट लैंड हो गई सर। ओके थैंक यू। ड्रेस अच्छी है, कहाँ से सिलवाई? टेलर से सिलवाई सर। नहीं तो क्या मोची से सिलवाओगी? उम्र कितनी है तुम्हारी? काम पे पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकती। ओहो, तो कहाँ दोगी बताओ, मैं लेने आता हूँ। मुंह बंद करो वरना फ्लाइट अंदर घुस जाएगी। ये सबसे हटके लग रहा है, यही वो हटेला होगा। हेलो, ये लो कैप, बैग, शूज। मेरा नाम है बिरजू। लोग मुझे प्यार से बियर कहते हैं क्योंकि मैं बियर पीता नहीं हूं, बियर मुझे पीती है। चलें बियर बार में। मेरे बॉस में मुझे आपको यह शहर घुमाने का काम सौंपा है। सारा शहर मुझे राजू गाइड के नाम से जानता है। वैसे आई ट्राइड टू गाइड मेनी पीपल। सब के सब पीपल के झाड़ के नीचे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है। मैं कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कहीं ये जंगल बुक का मोगली तो नहीं? मैं इतना अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे ना तो रिप्लाई ना ही सप्लाई कर रहा है। मैं हूं ही इतना हैंडसम कि लोगों की बोलती बंद हो जाती है। ओए रुक, ओए। मेरे बॉस ने तो तुम्हें बैठी चाल में बिठाने को कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें इस महल में खड़ा किया क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं ना। 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली और 24 घंटे मेरा साथ। क्या है ये? क्या है? मैं उल्लू हूं, पागल हूं, गधा हूं, बस मैं ही बोले जा रहा हूं और तुम सिर्फ सुन रहे हो। ओए कुछ तो बोल दो यार, अपना मुंह खोल दो यार, मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई? किस खंबे से पाला पड़ा है? सूर्य नमस्कार कर रहा है, कितने अच्छे संस्कार हैं, अच्छे खानदान का होगा। पूजा पाठ करे वो तो भलाई होगा, शायद नमस्कार के बाद कुछ बोले। बिरजू यू आर टू मच यार। सॉरी सर, आप इतने नेक हैं कि पियो पियो और पियो पियो और जियो। अरे सूर्य नमस्कार के बाद लोग माथे पर तिलक लगा के अच्छे काम करते हैं, इसे कटक के टल्ली नहीं होते। ये पीना पिलाना मुझ जैसे बियर को सूट करता है, तुम जैसे डियर को नहीं। अभी जवान हो, सुन रहे हो कि नहीं? अरे कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं लोगों का भेजा फ्राई करता हूँ, इसने मेरा कर दिया। अबे बिरजू भी 3 पेग डाउन है, अगर मुझे गुस्सा आए तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। 5 बोलने से पहले तुझे बोलना होगा, 1, 2, 3, 4। तेरे पैर पड़ता हूँ, कुछ बोल दे बाप। स्टीफन रॉबर्ट्स कौन है? कौन है बे? ओए गटर का शटर खोलते ही सबसे पहले तुमने अपने मुंह से जो बात कही वो स्टीफन रॉबर्ट के बारे में थी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, इसके आगे स्टीफन रॉबर्ट के बारे में कुछ मत पूछना। पूछो ना, पूछो, पूछने में क्या हर्ज है? सुनो, पुलिस ने भी आज तक उसे नहीं देखा है, ना ही उन गुंडे बदमाशों ने जो उसके लिए काम करते हैं। उन लोगों को जानते हो जो मुंबई में उसके लिए काम करते हैं? हाँ, उनको जानता हूँ। तो मुझे उनके पास ले चलो। सिर्फ एक शर्त पर लेकर जाऊंगा,
दूर से ही तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा। मुझे भरी जवानी में मरना नहीं है। वैसे तुम इस सब लफड़े में क्यों पड़ रहे हो यार? बैठे क्या हो? चलो। पहली बार किसी को कार में हेलमेट लगा के बैठे हो देखा है? नहीं पहनता तो ये मेरा लास्ट टाइम होता। स्टीफन रॉबर्ट कोई मामूली गुंडा नहीं है। मैं तो ऊपर से नीचे तक रोबोट के कपड़े पहनना चाहता था, लेकिन रजनी सर ले गए ना, इसलिए मुझे सिर्फ ये हेलमेट ही मिला। बताओ वो लोग कहाँ मिलेंगे? उस गोडाउन में ऊपर जहाँ म्यूजिक बज रहा है ना, वहीं पर मिलेंगे। कोई पूछे तो कहना अकेले आए हो, मेरा नाम लोगे तो डर जाएंगे। हेलो, कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? मुझे भाई से मिलना है। उनसे क्यों मिलना है? बिजनेस के लिए। थॉमस भाई, आपसे कोई मिलने आया है? कौन आया है? चल बुला। ए, इधर आ। जल्दी बोल, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हेलो भाई, कोई लड़का यहाँ स्टीफन रॉबर्ट से मिलने आया है, बोल रहा है बड़ी डील है। अगर उसे स्टीफन रॉबर्ट के साथ डील करनी होती तो वो यहाँ हमारे पास नहीं आता, सीधे नानू के पास जाता। साला कोई टाइम पास करने आया है, भगा दे साले को। हमें कोई डील नहीं करनी, चल फट। बहुत बड़ी डील है भाई। क्या भाई, मैं स्टीफन रॉबर्ट से डील करने, और आपने मुझे चिपका दिया। स्टॉप म्यूजिक। ए, रॉड दे। तेरे दिमाग में बात नहीं घुसी, चल निकल। तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा मूड अभी मस्त है, वरना तू यहां से जिंदा नहीं जा पाता। बॉयज, स्टार्ट द म्यूजिक। पिट गया। मैं तो इसे माचो मैन समझ रहा था, पर ये साला तो पिचकू मैन निकला। घर जाके इसकी रिपोर्ट लेता हूं।